वाले शेयर कौन से हैं? सुमित बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज। शुक्रिया एमपी। देखिए सबसे पहले तो आज बैंक्स तो नजर रहेगी, एक्सिस बैंक और बाकी बैंक्स पे क्या स्प्रेड होता है, लेकिन वो खार्ड इस पे आज एक नेगेटिव न्यूज है। खबर ये है कि एनपीपीएन की एक दवा की जांच कर रहा है, दरअसल ब्लड प्रेशर की दवा है जिसको पहले प्राइसिंग को लेकर गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी प्राइसिंग बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट रोक चुकी है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है उसके डोसेज में बदलाव करके उसकी प्राइसिंग को बढ़ा दिया है। इसकी जांच एनपीपीए कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर वो खार्ड के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़े। फोर्टिस की बोर्ड बैठक कल थी, वो टल के आज के लिए पोस्टपोन हुई है। रेणुका रामनाथ के इस्तीफे की वजह से ये बोर्ड बैठक आज के लिए टली है, तो फोर्टिस में क्या आउटकम आता है क्रूशियल है, सेकंड हाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। इसके अलावा कुछ नंबर्स आए हैं, नंबर्स में रैलिस इंडिया के नंबर्स हैं जिसमें आय करीब 372 करोड़ से 374 करोड़ रुपए आई है और मुनाफा गिरा है 31 करोड़ से गिर के 19.5 करोड़ रुपए आया है। अनुमान से खराब ये नंबर है, प्रेशर रह सकता है रैलिस इंडिया में। अच्छे नंबर बायोकॉन के हैं, इनके मुनाफे का एक अनुमान लगाया जा रहा था 110 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन वो बढ़ के सीधे 130 करोड़ रुपए आया है। आय अच्छी है, आय भी करीब 1170 करोड़ रुपए जो कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, वो उससे बढ़ के 1100 करोड़ रुपए के आसपास आई है और मार्जिन फ्लैट है 24% के आसपास, ये थोड़ा सा कंसर्न। लेकिन एबिटा जो है वो काफी साउंड है, करीब 260-280 करोड़ के एबिटा का अनुमान था, 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। अच्छे नंबर है बायोकॉन के, तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। रिलायंस कैपिटल के नंबर्स बहुत फायरवर्क की उम्मीद नहीं है, 417 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 428 करोड़ है। आय हालांकि गिरी है, 5007 करोड़ रुपए कंपनी की आय आई है। बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं, बहुत खराब नंबर्स भी नहीं, तो बहुत रिएक्शन की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स अच्छे आए हैं, यहाँ पे मुनाफा करीब 78 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ रुपए आया है। एनआईए भी बड़ा है, क्रूशियल है इनकी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए शार्प गिरावट वहाँ पे आई है, पहली बार है कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अच्छा रिएक्शन शायद देखने को मिले। और आखिरी में टाटा मेटालिक्स के नंबर, यहाँ पर भी अच्छे नंबर है, मुनाफा 41 करोड़ से 55 करोड़ है और कंपनी का जो मेजर बिजनेस है पिक आयरन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग नंबर 70% की ग्रोथ आई है, तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद में, अच्छे नंबर के आंकड़ों के बाद टाटा मेटालिक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज खबरों के साथ साथ खबरों में आप ये भी देख रहे होंगे नंबर्स काफी ज्यादा हैं, और नंबर्स का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो सबसे बड़े नंबर एक्सिस बैंक जिसके बारे में आप बात कर भी रहे थे, पर पहले पूजा से वो नंबर समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा बताएं वो नंबर्स क्या है, उसकी डिटेल ले लेते हैं, उसका फिर हमारे मेहमान भी है उनसे भी हम जरा जानकारी लेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। पूजा बताएं, बेहद ही कमजोर नंबर्स, हम मुनाफे में दबाव का अनुमान तो कर रहे थे, लेकिन ये क्वार्टर पहला ऐसा क्वार्टर है जब एक्सिस बैंक ने लॉस पोस्ट किया है जिसकी कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े 6.7% पे पहुंच चुके हैं, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर कुछ इंटरनल की बात करें, स्लिपेजेस जो हैं, जो नए एनपीए हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं। 13,000 करोड़ कंपनी ने लास्ट ईयर 13,000 करोड़ के स्लिपेजेस आए थे, इस बार 16,500 करोड़ के स्लिपेजेस आए हैं। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो पावर सेक्टर में देखने को मिला है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी काफी ज्यादा स्लिपेजेस आए हैं और टेक्सटाइल, ये तीनों सेक्टर है जिसको लेकर की बैंक ने भी कंसर्न जताया है। अब आने वाले समय में बैंक कह तो रही है कि एक रिकॉग्निशन प्रोसेस था बैड लोन का जो कि अब खत्म हो चुका है, जितनी भी प्रोविजनिंग करनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब आगे देखना होगा क्योंकि लोन ग्रोथ भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बार लोन ग्रोथ भी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं आई है, टॉप लाइन में भी ज्यादा कुछ बढ़त इस बार देखने को नहीं मिली है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो असर है वो ग्रॉस एनपीए के जो परसेंटेज नंबर है उस पर देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले कॉमेंट्री तो देखिए पॉजिटिव नहीं कहेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह का कंसर्न, क्योंकि टेलीकॉम से अभी तक नहीं आया है कुछ यहाँ पर कॉमेंट्री, अभी और एनपीए आने बाकी है, अभी और एनपीए आने बाकी है, समस्या है। लेकिन ब्रोकरेज क्या रिपोर्ट दे रहे हैं संदीप, एक्सिस बैंक को बता दीजिए फटाफट। देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे लंबी अवधि की चुकी राय है, तो आपको जो रेटिंग है वो पॉजिटिव नजर आएगी, लेकिन लक्ष्य सबने काम किए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अब टारगेट दिया है 620 का, 695 रुपए से घटाकर ओवरवेट रेटिंग है। नमूरा ने 630 रुपए का टारगेट दिया है 675 रुपए से घटाकर, और क्रेडिट स्विस का तो टारगेट 530 रुपए का आ गया है 595 रुपए से घटाकर। केवल एक रिपोर्ट है को बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है मोतीलाल ओसवाल की। देखिए इन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट बढ़ा के अब 650 रुपए कर दिया है, 600 रुपए से बढ़ाकर। इनका टेक क्या है, ये कह रहे हैं कि नो डाउट नंबर खराब है, एनपीएस भी बढ़े हैं, सारी चीजें खराब हैं, लेकिन जो आगे आने वाले समय में जो स्ट्रेस एसेट्स बढ़ने की रफ्तार है वो शायद पीक आउट हो चुकी है। अब शायद यहाँ से बहुत जल्दी से स्ट्रेस एसेट बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है और उन्होंने टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया। तो ये है आपके